अस्सलाम अलैक्म नादरीन इक्राम वेलकम करता हूँ आपके अपने मालूमी चैनल पर नादरी आज का जो लेक्चर है इसमें यूरोपीय यूनियन के बारे में जानते हैं कि ये तंजीम क्या है कब बनाई गई क्यों बनाई गई इसके मेंबर्स मुल्क कौन कौन से हैं और नेटो और यूरोपियन यून में क्या फ़र्क है नादरीन यूरोपियन यून अट्ठाईस यूरोपी मुल्कों पर मुश्तमिल है और एक मुल्क इस तंजीम को एग्जिट कर गया वो है यूके उसके बाद अब इस तंजीम में टोटल सत्ताईस मुल्क शामिल हैं उन सताईस यूरोपी मुल्कों की जो कि इस तंजीम में शामिल हैं उनकी नुमाइंदा पोलिटिकल और इकनॉमिक तंजीम है इन सत्ताईस मुल्कों के शहरी अगर इन मुल्कों में किसी भी मकसद के लिए जाना चाहें तो वो आजादाना तौर पर जा सकते हैं उनको उन सताईस मुल्कों में आने जाने के लिए किसी किस्म के परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती कारोबार करने के लिए उनको किसी किस्म के परमिट की किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती विज़िट करने के लिए उनको किसी किस्म के वीज़े की जरूरत नहीं पड़ती ये यूरोपीय यूनियन जो है अपने सताईस मुल्कों की मुशतरक तौर पर इकनॉमिक पॉलिसी बनाती है फ़ॉरन पॉलिसी बनाती है किस मुलक के साथ अलग किस तरह के रखने हैं ये यूरोपियन यूनियन मुशरक तौर तो पर फैसला करती है अभी जो रिसेंटली यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो यूरोपीय यूनियन ने बयान जारी कर दिया है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ कि सताईस यूरोपीय मुल्क यूक्रेन के साथ खड़े हैं रशिया के अंगेंस्ट ये इसकी बेसिक एग्जाम्पल है यूरोपीय यूनियन की और इनकी एक मुश्तरक पार्लियामेंट है जो कि इन सत्ताईस मुल्कों को पूरी दुनिया में रिप्रजेंट करती है कलेक्टिवली और इन सताईस मुल्कों की जो हारजा पॉलिसी है वो यूरोपियन पार्लियामेंट ही बनाती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी नॉन यूरोपी मुल्क के पाकिस्तान के फ्रांस के साथ तलुकत ख़राब हो गए हैं तो पाकिस्तान फ्रांस से तलुकात अगर तोड़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सत्ताईस मुल्कों से पाकिस्तान ने तलब तोड़ दिया कारोबार के लिए या किसी भी मकसद के लिए इनके दरमियान कोई बॉर्डर नहीं है इस मुल्कों में इनकी मुश्तर करेंसी है जो कि अयोरो कहलाती है इस तंजीम की बुनियाद रखी गई उन्नीस सौ को और उस वक्त इसका नाम था एयोपियन इकोनॉमिक कम्यूनिटी लेकिन उन्नीस को इस तंजीम का नाम आयोरपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से तब्दील करके अयोरपियन यूनियन रख दिया गया और मुल्कों ने इसकी बुनियाद रखी मिलकर वो छः मुल्क कौन कौन से हैं बेल्जियम फ्रांस इटली लग्ज़मबर्ग नदरलैंड और जर्मनी इन छः मुल्कों ने इस तंजीम की मिलकर बुनियाद रखी और इसका जो क्वार्टर है नादरीन, वो बेल्जियम के दरलकूमत ब्रसल्स में है अब नादरीन देखते हैं कि इसके मेंबर्स मुल्क कौन कौन से हैं तो यकम जनवरी उन्नीस को यूके, आयरलैंड और डनमार्क ने इसको ज्वाइन किया लेकिन ये जहन में रखेंगे यूके लेफ़्ट कर गया है फिर यकम जनवरी 1981 को ग्रीस ने ज्वाइन किया फिर यकम जनवरी 1986 को पुर्तगाल स्पेन ने ज्वाइन किया फिर यकम जनवरी 1995 को फिनलैंड ऑस्ट्रिया और स्वीडन ने इसको ज्वाइन किया फिर यकम मई 2004 को 10 मुल्कों ने इसमें ज्वाइन की उनमें बाल्टिक कंट्रीज शामिल हैं इसके अलावा सैप्रस चेक रिपब्लिक सलवाया पोलैंड माल्टा सलवानिया और हंगरी आप जल्दी से यूरोपी यूनियन और नेटो में फ़र्क देख लेते हैं तो यूँ कह लूँ कि यूरोपी यूनियन यूरोपीय मुल्कों की पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली नुमाइंदा तंजीम है जबकि जो नेटो है वो इन यूरोपीय मुल्कों का उसमें सिर्फ दो मुल्क जो कि दूसरे बर अजम से हैं नॉर्थ अमेरिका से एक अमेरिका और कैनेडा उनका दफाही इतिहाद है ये इन दोनों में बेसिक फ़र्क है कि यूरोपी यूनियन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उसकी नुमाइंदा तंजीम है सताईस मुल्कों की जबकि नेटो जो है ये तीस मुल्कों का उनमें सताईस यूरोपीन मुल्क शामिल हैं और तीन मुल्क जिनमें यू के जो कि लेफ़्ट कर गया है यूरोपीनियन को और कनाडा और अमेरिका शामिल हैं इन तीस मुल्कों का दफाही इतिहाद है तो यूरोपीय यून जो है ये मुशतरक तौर पर एक दूसरे के मुल्क में आ जा सकते हैं बग़ैर वीज़े के कारोबार कर सकते हैं और मुशतरका हारजा पॉलिसी बनाते हैं जबकि जो नेटो है वो अपने मेबर्ज ममालिका मुशतरका तौर पर दफा करता है उम्मीद करता हूँ आदरणी वीडियो आपके लिए मालूमी है अगर वीडियो अच्छी लगी तो आदमी लाइक करें फीडबैक का ज़हार करें चैनल को सब्सक्राइब करें खुदा हाफिज